आज हम आपको ऐसा यंत्र बताने जा रहे हैं जो आपको प्रयोग करना है कल। कल शनिवार है और 9 तारीख है। मंगल शनि शत्रु से बदला लेने के लिए काफ़ी होते हैं और आपको ये मौका परमात्मा ने दिया है। कल ऐसा संयोग बन रहा है कि शत्रु को धूल चटाने का दिन है, शत्रु को मूंग खिलाने का दिन है, शत्रु को छठी का दूध याद दिलाने का दिन है। और अगर आपके शत्रु संख्या में एक से अधिक हैं और वो संगठित होकर आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, आप पे कोर्ट केस चला हुआ है और आप मुकदमे में जीत नहीं पा रहे हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ ये ग्रह है, मतलब यंत्र है, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी सुरक्षा होगी और आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। इसको कैसे लिखना है, कैसे प्रयोग करना है, आज की संपूर्ण जानकारी इसमें निहित है। बने रहिए हमारे साथ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब सुखी होंगे, मैं भी बहुत सुखी हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। इसको काले रंग से बनाना है। काले रंग का प्रयोग आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं, चारकोल पाउडर भी आप ले सकते हैं, इंक भी ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद कागज़ पर और ब्लैक कलर का यूज़ आपको लेना है। काजल से भी आप ये यंत्र बना सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे उसका प्रयोग करें। ये आपके अधिक से अधिक शत्रु जो संगठित होकर मिलजुल कर आपको बदला छोड़ रहे हैं, मोर छोड़ रहे हैं, आप पर तंत्र मंत्र क्रिया कर रहे हैं, उन सभी को सबक सिखा देगा, छठी का यू दूध याद दिला देगा, ऐसी उनकी दुर्गति कर देगा कि पहचानने में नहीं आएंगे। पहले अंक जान लीजिए और चार्ट ऐसा बना लीजिए। कोने के खाने में यानी शुरुआत है यंत्र की, वहाँ लिखा है 8 7 3 3, उसके नीचे लिखा है 8 7 2 4, उसके नीचे लिखा है 8 7 3 8, उसके नीचे लिखा है 8 7 2 7, अगली लाइन में लिखा है ऊपर ही ऊपर 8 7 3 0, उसके नीचे लिखा है 8 6 3 5, उसके नीचे लिखा है 8 7 2 5, उसके नीचे लिखा है 8 7 3 2, अगली लाइन में ऊपर ही ऊपर लिखा है 8 7 2 3, उसके नीचे लिखा है 8 6 3 4, उसके नीचे लिखा है 8 7 2 8। दोबारा सुन लीजिए, उसके नीचे लिखा है 8 7 2 8, सबसे नीचे लिखा है 8 7 3 6, चौथे खाने में सबसे ऊपर लिखा है 8 7 2 6, उसके नीचे लिखा है 8 7 2 9, उसके नीचे लिखा है 8 7 3 1, और सबसे नीचे ही लिखा है 8 7 2 6। ये यंत्र आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसको सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से यंत्र बनाना है और मिट्टी का कोई पात्र आपको मिल जाए, उसमें सरसों का तेल डालकर उसमें लंबी बत्ती जला देनी है और लपेट देनी है, और उस बत्ती का मुंह शत्रु के घर की तरफ कर देना है और उस दीपक को जलाकर जब तक जलते रहने देना है, जब तक बत्ती पूरी ना हो जाए। फिर अगर दीपक में कुछ तेल बच जाए तो शत्रु का नाम लेके उसके घर की तरफ छिड़क दें, छींटे दे दें, और फिर घर आकर हाथ मुंह धो लें, और वो पात्र तेल का जो मिट्टी में आपने दीपक जलाया है, मिट्टी के सरसों का तेल का दीपक जलाया है, उसको जल प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से अगर आपके एक से अधिक शत्रु हैं, उनमें खुद में ही लड़ाई हो जाएगी, खुद ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और आपकी तरफ रुख नहीं करेंगे। आपको फ़ायदा होगा, शनिवार को ये काम करके देखिए, आपको प्रबल तरीके से फ़ायदा होगा। शत्रुओं के बीच में फूट पड़ जाएगी और वो अपना ही बर्बाद करने का सामान तैयार कर लेंगे। एकता में शक्ति होती है और जब एकता खंडित हो जाती है तो शत्रु कहीं का ना रहता है, शत्रु की यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये यंत्र बनाकर अगर आप इस यंत्र को धारण भी कर सकते हैं, लेकिन हम धारण करने की सलाह नहीं देंगे, इस यंत्र को बना लीजिए और इस यंत्र को मिट्टी के पात्र में रख दीजिए और उसमें सरसों का तेल भरकर इसको जला दीजिए और शत्रु का नाम लीजिए। अगर अगर एक से अधिक शत्रु हैं तो उनका नाम लीजिए, अगर नाम नहीं पता है तो समस्त शत्रु इमेजिनेशन करें, आपको शक्ल तो याद ही होगी, उनकी इमेजिनेशन विजुलाइज करें
तो ये काम करके देखें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से आपकी सेवा यंत्र मंत्र तंत्र के माध्यम से कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कर रहे हैं, पाम रीडिंग के माध्यम से कर रहे हैं, वास्तु शास्त्र के माध्यम से कर रहे हैं। तो आपको हमसे परामर्श लेना चाहिए, हमारे 25 साल का अनुभव आपके काम आ सकते हैं। सभी सर्विसेज चार्जेबल है, सभी के चार्जेस डिफरेंट है। थैंक यू सो मच।